कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जनाब। इतने सारे बर्तन देख के आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। वेलकम कर लिया जी आपको इस चैनल में। और हम लोग की है आज शारी की बर्थडे। तो जनाब बर्थडे का थीम है रियो थीम। तो ये गिफ्ट है एक उकाशा के लिए और एक शारी के लिए। एंड वन गिफ्ट वॉज लेफ्ट टू पैक क्योंकि अम्मी का भी बर्थडे है। तो मुन्नी इज़ गोइंग टू पैक माई गिफ्ट। हेलो शारिक, हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है आपको रियो थीम? अच्छा ये इधर खड़े होकर बताएं कि आपको आपको कैसे आइडिया आया कि रियो थीम बनाना है? फिर आपने मुझे कहा कि मम्मा मेरी रियो वाली बर्थडे कर दो। तो फिर मम्मा ने देखा, मम्मा ने ऐसे ऐसे मैजिक किया और रियो वाली बर्थडे। ये अभी फैन चल रहा है ना इसलिए हो रहा है। थोड़ी देर में इधर ही खड़े रहो आप। कैसे लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो। और ये उकाशा साहब ने प्रिंसेस के रूप में एंट्री मार ली है। प्रिंसेस लग रहे हो आप, प्रिंस नहीं लग रहे, प्रिंसेस। हाँ किंग बने हुए हो, किंग बना हुआ है। पहन लो अच्छे लग रहे हो। तो जनाब ये बर्थडे की रेडी शेडी हो चुकी है। बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं। उकाशा आपकी बर्थडे पर भाईजान ने कह दिया था कि रियो बर्थडे बनानी है, आपने क्या सोचा है? पांडा तो हो गई आपकी बर्थडे लास्ट ईयर, मैंगो भी बन चुका है। अब उकाशा सोच रहा है कि उसने क्या बनना है। नो नो मारियो इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, आई कांट वेट। तो जनाब जब इसने रियो कहा था ना तो मैं सोच रही थी रियो कैसे बनाएंगे। ये देखें इसकी ड्राइंग चेक करें आप। ये ड्रॉ करके स्केच करके फिर कटिंग किए हुए हैं। इसमें से कुछ हमने पेपर पे प्रिंट लिए हैं लेकिन दिस बिग वन एंड दीज ऑल वी हैव ड्रॉ बाई आवर सेल्फ एंड कट फ्रॉम द सीसर। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने बड़े ही प्यार से बनवाए हैं। और बीच बीच में जो छोटे छोटे रियोज हैं ये इनके प्रिंट लिए हैं हम लोगों ने। और सबसे क्यूट जो है ना ये लगा है। केक भी आ चुका है, रेडी हो चुकी है हर चीज़। बच्चा पार्टी भी रेडी हो गई है। तो आई एम थिंकिंग कि अब मैं भी रेडी हो जाऊँ तो अच्छा लगेगा। तो बस मैं सुबह से इतनी बिज़ी थी। आई क्लीन होल हाउस और सारा कुछ क्लीन करने के बाद आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस ड्रेस। ये है जनाब लाइम लाइट से और ये मैंने एक बार पहना हुआ है बट आई एम थिंकिंग टू रीयूज इट क्योंकि ये अब सीज़न जा रहा है। और ये लॉन कट ड्रेस है। अब इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और ट्राउज़र भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो लेट्स ट्राई दिस ड्रेस, जल्दी से ड्रेस पहनते हैं। शारिक उकाशा लीव इट। तो जनाब ड्रेस पहनते हैं और तैयार हो जाते हैं ऐसे करके। आप तो अम्मी और शारिक दोनों का बर्थडे है, कैसा लग रहा है आपको? रोटी का ऐलान हो चुका है, उकाशा ने बताया रोटी आ चुकी है। आपको केक तो काटा नहीं, पहले आपको दे दूं? पहले ना खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। और जनाब खाना आ चुका है। आज हम लोगों ने जरा ईच एंड एवरीथिंग रेडीमेड ऑर्डर किया है। तो लेट मी शो यू ये क्या है। दीज आर ड्रम स्टिक्स, सिक्के और ये सालन है, कबाब और भाई वाला सालन है और ये रोटी। रोटी को सबसे पहले हॉट पॉट में रखते हैं इससे पहले कि ठंडी हो जाए। ये पापा पापा कपड़े नहीं चेंज करने आपने? पापा तैयार हैं जी हर दम। बर्थडे केक के बारे में मैं आपको बता दूं कि बर्थडे केक हम लोगों ने प्लेन ऑर्डर किया था, उसके ऊपर हम लोगों ने ये पैरेट खुद से लगाया था डिवेलप करवा कर क्योंकि ये थीम से बिल्कुल मैच कर रहा था। तो लेट्स सेलिब्रेट द बर्थडे नाउ। अब हम लोग केक कटिंग करेंगे। पपी करो तो क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अम्मी भी करो ना। हाँ यही करने लगो। आज ना हमारे वीडियो में आप देखेंगे शारी के साथ अम्मी की भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अम्मी। एक मिनट जी अम्मी जी इधर आओ। वो छोड़ो, एक मिनट रुको जी, रुको। अम्मी को गिफ्ट दो ना। नहीं नहीं भाई, अभी हमने बंटी काटनी है, केक काटा है सिर्फ। अच्छा आ भाई इधर आ। ये किधर मिलती है एक बंटी? ए ओए होए इतना जोर। ओ वाह, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे काशा, हैप्पी बर्थडे बंटी। चलो जी बंटी के हैप्पी बर्थडे कर दिया। चलो जी केक खिलाओ। चलो हमने हैप्पी बर्थडे बंटी की शारिक वेट करें।
अच्छा शारिक से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, दीवाना है केक का। काशा का मुंह पहले खुल गया। चल भी मेरे भाई को। हाँ, नहीं आप खा लो, हैप्पी बर्थडे शारिक, ये वाला मेरे बेटे का। चलो अम्मी को दो, पहले अम्मी को तो खिलाओ, अम्मी की बर्थडे मैं हाँ अभी खिलाओ, आप खिलाओ, ये पकड़ो ना पापा से, दे रहे हैं वो खिलाएगा अपनी तरफ से। हैप्पी बर्थडे अम्मी, अम्मी की लिपस्टिक थोड़ी लगी। चलो जी अम्मी जी पढ़ो, ये अम्मी की भी बर्थडे हो रही है, और अम्मी को शुगर है भाई। चलो गिफ्ट दूँ। अच्छा टिशू तो यहाँ साफ करो, पूरा प्रोग्राम से एक से दो कर, एक से कर लो वो बड़े वाले, पहले मैं गिफ्ट दूंगा। हां दे चलिए, एक मिनट जी, अपना बन जाओ, बच जाए उधर से। अच्छा जी ये वाला गिफ्ट आप शारिक ने तेरा देखो, ये लो जी, हैप्पी बर्थडे शारिक, ये कर दिया, ये ब्लू मैन का था, ये ब्लू मैन का था, ये पिंक मैन का। हैप्पी बर्थडे काका, अम्मी को खजांची रखा हुआ शारिक ने, यहाँ रखो, यहीं रखी जाओ वापिस। चलो जी आप तुम आओ, मम्मा आप आओ, मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम वो पकड़ा देना। चलो जी, चलो जी एक मिनट में आपको काट दूंगा। चलो जी अब अम्मी और मामू की तरफ से भी गिफ्ट है, वाह अम्मी ने भी गिफ्ट दिया है, वाह थैंक यू। काशा को ब्लू क्यों दिया आपने, ब्लू तो शारिक का होना चाहिए। सारी फैमिली गिफ्ट दे रही है, नहीं मामा ने भी दिया, सारी फैमिली गिफ्ट दे रही है और सारी फैमिली खुद ही ले रही है। चलो जी रेडी, चलो मुन्नी, मुन्नी मुन्नी हर बार पैसे दे देता है यार, आप लोग पैसे ले लेते हो। मैचिंग तो आपके कपड़ों के साथ हो रहे हैं, पापा शॉर्ट आउट करते हुए। अभी नहीं छेड़ना नहीं है कुछ भी, ऐसे ही खड़े रहो ऐसे ही। अब मेरी बात चलेंगे, बस बस आप मुन्ने के सही नहीं आ रहा, देख नहीं रहे। चलो जी चलो, ये भी इनको दे लो ना, अम्मी को बना दे दो, लो जी मामा ये पकड़ लो, आज था आपने काशा को, लो जी लो, वाह जी वाह, चलो चलो इधर खोल अभी अभी नहीं, चलो अब आप लोग बाहर निकलो, अब तुम्हारी सालगिरह खत्म, शारिक को खड़ा हो जा, अम्मी की शुरू हो गई, चलो कहीं है ये काय शारिक को भी, चलो और किसी ने अम्मी को गिफ्ट नहीं दिया, नहीं ये सारे घर छोड़ आए, ये निकालो भाई, नहीं घर छोड़ आए, ये क्या नहीं जी, मुझे तो भाई आपकी हैप्पी बर्थडे का कोई बात नहीं, नहीं इनकी बात है, नहीं मैंने अम्मी को चले आप मेरी तरफ से आपकी हैप्पी बर्थडे फिर किसी दिन का, हैप्पी बर्थडे यू 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 यू, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर बेटी की सालगिरह है, मेरी बेटी की सालगिरह है इसलिए। अच्छा आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपके बेटे की सालगिरह, वरना आप काम ना करते। अच्छा फिर ये भी खोल लें, चलें जी ये भी खोलते हैं, सैलड भी खोलना है, ये भी खोलना है, तो मैं और मियाँ जी जो है ना वो मिलके काम कर रहे हैं। ये सैलड उन्होंने देखे निकाल लिया, वाह सैलड की शक्ल तो अच्छी है यार, इसको साइड पे कर देना, इसको ना डालना। ये जनाब सालन अब मैंने ऊपर खड़े होके खुद से ख्वाजा टिक्का माई फेवरेट माई अंकल फेवरेट, वैसे इसकी ड्रेसिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हुई भी, हाँ इसको वैसे सीधा ट्रैक पे ही रख लो, ये ट्रे पड़ी है इसमें रख लो, ये ट्रे में रख लो क्योंकि इसकी ना शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है, वो उल्टी हो जाएगी अगर हमने वैसे कर लिया। जी प्लान चेंज हो गया है और अभी हम लोग शाम को जाना वो कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं मैं देती हूँ,
चले जी जनाब, सालन कन्वर्ट हो गया और हम लोग अब खाने में, मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी क्या क्या, और सिर्फ अब ये रह गया। तो यहाँ जनाब हस्बैंड ने की पूरी पूरी हेल्प, सारा खाना जो है वो बाहर से बनवा के लिया, क्योंकि मैंने पूरी कंप्लीट तौर पे घर को अरेंज किया, डेकोरेशन वगैरह की। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने बाहर से ऑर्डर किया, अदरवाइज़ मैं खुद ही बनाती हूँ, लेकिन प्रॉपर हस्बैंड ने हेल्प की और सारा खाना जो है ना लगवा दिया, सर्व कर दिया, सबको खिलाया भी बैठ के, और बड़ा मज़ा आया। हम सब लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से खाना खाया। एक डिश बहुत ही अच्छी हो तो भी मज़ा आता है खाना खाने में, पहली दफ़ा मुझे रियलाइज़ हुआ, वरना मैं बहुत ज़्यादा कुछ बनाती हूँ लेकिन इतना टायर्ड हो जाती हूँ कि मैं इंजॉय नहीं कर पाती। इस दफ़ा मैंने बनाया कुछ नहीं खाने में, खाना डेकोरेशन वगैरह की, घर साफ साफ किया, लेकिन मैं इतनी टायर्ड नहीं हुई जितनी हमेशा हो जाती हूँ। तो इसका मतलब है कि ये गुड डिसीजन था मेरा कि बाहर से हम ऑर्डर कर लेंगे। तो यहाँ पे जनाब सब खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये थी मेरी प्लेट जो कि मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि सैलड वगैरह मुझे डाल दें। उन्होंने जनाब सैलड भी मुझे ऐड करके दिया प्लेट में, और उसके बाद नींबू वगैरह भी छिड़क के दिया। बहुत ही इंजॉय किया। उसके बाद शुरू हुआ टी टाइम, और टी टाइम में मैंने चाय बनाई, केक निकाला, और मुझे ना ये केक के ऊपर बर्ड इतना अच्छा लग रहा था, और बंटी सब ने बहुत इंजॉय की, बंटियाँ सब ने उठा कर खाई और सबको ही पसंद आई बच्चों की तरह। तो जनाब चाय भी बहुत ही डिलीशियस थी, जो चाय लवर होंगे उनको तो उनके तो मुँह में पानी आ रहा होगा ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग स्पेशल मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर किया करें। यही एक मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।